ओके, सम इक्वल टू सम प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा, फर्स्ट और फर्स्ट प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई सेकंड, ठीक है, सेकंड यहाँ पे हम लोग करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, फर्स्ट में डालेंगे और यहाँ के लास्ट में डालेंगे डी, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज होगा, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होगा, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले में डालेंगे जो हमारा कॉलम कॉलम है वहां पे वैल्यू के डालेंगे, ठीक है, के, ठीक है, जो हमारा ये थर्ड वाला लूप चल रहा है उसकी वैल्यूज यहाँ पे चलेगी, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये लूप ये वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इस सम की वैल्यू, हम लोग सम की वैल्यू जो है, हम लोग ने एक थर्ड मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया हुआ था, कौन सा बनाया था, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में असाइन कर जाएंगे, ठीक है, ये वाला जो हमने थर्ड जो हमने एक एरे डिक्लेयर किया है उसमें हम लोग उसको असाइन करते जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग जो थर्ड वाला लूप है इसके जस्ट बाद में करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ, ठीक है, सी डी, ठीक है, सी कॉमा सॉरी डी, ठीक है, इक्वल टू सम, मतलब सम की वैल्यू हम लोग किस में डाल दे रहे हैं, मल्टीप्लाई सी और डी, ठीक है, मतलब रोज और कॉलम्स क्या है हमारा, सी डी में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर बार जितने बार ये लूप आगे बढ़ेगा, ठीक है, उतने बार सम की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है, उतने बार सम पर से जीरो सेट हो जानी चाहिए, ताकि जब नया मल्टीप्लीकेशन हो तो नई वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन हो, क्योंकि यहाँ पे हर बार क्या कर रहा है, सम के साथ ऐड कर रहा है, ठीक है, तो जीरो के साथ ऐड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। अगर मान के चलो यहाँ पे आया 7 आया या फिर 10 आया, ठीक है, सम की वैल्यू 10 आई, ठीक है, तो सम की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो 10 ही रहेगी, तो हमेशा यहाँ 10 के साथ प्लस होगा, तो हम लोग का आंसर गलत आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम को जीरो से सेट कर देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस आर, इस प्रकार से हम लोग ले लेंगे स्लैश एन, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इसको, ताकि हम लोग का समय थोड़ा बच जाए, या फिर हम लोग टाइप ही कर लेते हैं फॉर, ठीक है, सी इक्वल टू जीरो, सी इज लेस देन एम, सी प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा रोज के लिए हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के लिए एक और लूप लगाएंगे फॉर, ठीक है, फॉर डी इक्वल टू जीरो, डी इज लेस देन एन, सॉरी डी इज लेस देन क्यू, ठीक है, एन नहीं होगा क्यू होगा, ठीक है, देन उसके बाद डी प्लस प्लस, कहाँ गया, प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ, और हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डबल कोट्स के अंदर परसेंट डी, परसेंट डी, और यहाँ ले दूँ दे दूंगा थोड़ा सा स्पेस, ठीक है, हम लोग स्लैश डी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई
ऑफ सी डी, सी और डी, ठीक है, यहाँ पे डी क्यू एम और क्यू, ठीक, ओके, ठीक है, सी डी सही है, ये हम लोग ने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे अंदर वाले लूप के बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे, ताकि हम लोग का जो फ्रेश जो मल्टीप्लिकेशन हो, हर रो अलग अलग दिखे हम लोग को, तो हम लोग स्लैश एन यहाँ पे लिख लेंगे। तो तीन कॉलम प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, न्यू लाइन आ जाएगा, फिर तीन कॉलम प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना दिया है। थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। हम लोग इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं हम लोग इसको। एक एरर आया है, ठीक है, एरर हट गया, और यहाँ पे तो रन करके देख रहा है, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मैं ले रहा हूँ 3 स्पेस 3, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स हम लोग को डालना है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर डाल दिया। एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने कॉपी पेस्ट किया था, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ही प्रिंट हो रहा है, एक्चुअल में वो सेकेंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा रोज एंड कॉलम्स, मैं डाल रहा हूँ 3 स्पेस 3, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, वो एक्चुअल में सेकेंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सेम मैं डालता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, 3 रोज मैंने डाला और 3 कॉलम्स मैंने डाला ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, और यहाँ पे वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ रोज में यहाँ पे हम लोग डालते हैं, मैं डालता हूँ 3 और 3, ठीक है। देन उसके बाद मैं सेम वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग को वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है। तो ये हम लोग ने बनाया 3x3 को मैट्रिक्स करने का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, और कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसका लॉजिक क्या था, ठीक है। एक ही कंडीशन था, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। एम और एन जो है वो रोज और कॉलम्स के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, पी क्यू जो है हम लोग रोज और कॉलम्स के लिए सेकेंड मैट्रिक्स के लिए, सी डी जो है वो लूप के लिए चल रहा है, के जो है हम लोग जब एडिशन परफॉर्म करेंगे रोज के और कॉलम्स के बीच में उसके लिए हम लोग यूज करें, और एक हम लोग सम ले रहे हैं जो ऐड करके वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने 3 मैट्रिक्स लिए, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पे ले लिए, सबसे पहले हम लोग एंटर करा रहे हैं एम और एन में वैल्यू जो रोज और कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 3 3 डाला, ठीक है, तो 3x3 मतलब 9 बार इनपुट लेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फॉर लूप लगा के इनपुट ले लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लूप के अंदर सी और डी चलाया है, ठीक है। सी जो है वो कॉलम के, सी जो है वो रो के लिए है, ये रोज के लिए होंगे, ठीक है, और अंदर वाला कॉलम्स के लिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स की बात, अब आते हैं सेकंड मैट्रिक्स में। सेकंड मैट्रिक्स का यहाँ पे हम लोग ने रोज और कॉलम्स जो लिया पी और क्यू में हमने ले लिया है, ठीक है, पी और क्यू में हम लोग ने ले लिया है, ठीक है।
देन उसके बाद हम लोग ने एक कंडीशन यहाँ पे लगाया है, इफ एन इक्वल टू पी, ठीक है। एन क्या है, एन जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है, ठीक है। कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का कंडीशन है। तो अगर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाए हैं एन नॉट इक्वल टू पी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स में इनपुट लेंगे, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग रोज और कॉलम्स के लिए लूप लगाए हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जीरो से लेके पी की वैल्यू तक चल रहा है, ठीक है। अंदर वाला लूप जो है कॉलम के लिए वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जीरो से लेके क्यू की वैल्यू तक चल रहा है, ठीक है। ये कॉलम के लिए था, ये रो के लिए था, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग ने सेकंड मैट्रिक्स में इनपुट ले लिया। अब थर्ड हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिया है, ये रोज के लिए होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है। और थर्ड वाला जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए होगा, और दोनों ऐड करेगा, ठीक है, एडिशन के लिए होगा। अगर अगर हम लोग थर्ड लूप नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला काम करेगा ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा वो नहीं करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है, तो फर्स्ट का हम लोग ने क्या लिया है, यहाँ पे रोज जो लिया है, और सेकंड का कॉलम, ठीक है। वही यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स चलेगा, मीन्स फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएगा और ऐड करते जाएगा, और जो भी ऐड करेगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सम में इनिशियलाइज होगी। सम की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज किया हम लोग जीरो, ठीक है। सम यहाँ पे जीरो है, जीरो के साथ प्लस होगी और उसके बाद सम में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये वाला लूप खत्म होने के बाद, मतलब ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होने के बाद, मल्टीप्लाई में हम लोग इस सम की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। और सम को किससे सेट कर देंगे, जीरो से सेट कर देंगे, मतलब असाइन करने के बाद हम लोग सम को जीरो से सेट कर देंगे, ताकि जब ये लूप एग्जीक्यूट हो दोबारा, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा कि इक्वल टू जीरो है, अब वन होगा, और कहाँ तक जाएगा, पी तक जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू थ्री है तो वो थ्री टाइम्स चलेगा, तो थ्री टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हर बार वैल्यू जीरो सेट होनी चाहिए, ताकि जो लास्ट वैल्यू है उस पे एडिशन ना हो, हर बार जीरो के साथ एडिशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे असाइन किए थे, अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट सेम वैसे दो लूप लगाएंगे हम लोग, एक रो के लिए होगा, एक कॉलम के लिए होगा, रो के लिए और कॉलम के लिए, ठीक है, रो के लिए और कॉलम के लिए। और हम लोग यहाँ प्रिंटफ यूज करके प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही एक रो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यू लाइन आएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट रो प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन, फिर नेक्स्ट रो, फिर न्यू लाइन, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लिया है अपना प्रोग्राम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए था।